पटना से रजरप्पा आए दो युवकों को मौत के जबड़े से खींच लिया गया। ये नेक काम मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पुजारी ने किया। पुजारी ने पहले भैरवी नदी के तेज बहाव में बह रहे दोनों युवकों को किसी तरह एक चट्टान पकड़ लेने को कहा। दोनों युवकों ने ऐसा ही किया। चट्टान पकड़ वो दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। वहीं मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लोकेश पंडा ने फूल प्रसाद बेचने वालों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जाबाज एक बहादुर पिंटू भैरवी नदी की तेज धार में दोनों युवकों के पास एक रस्सी के सहारे पहुंच गया। रस्सी की छोर को चट्टान में बांधा गया, वहीं दूसरे छोर को थामे कई लोग खड़े थे। बारी बारी से मनीष और अभिषेक को सही सलामत भैरवी नदी के तेज धार से निकाल लिया गया। सहसा लोगों की जुबा पर एक ही बात आई कि इनकी माँ आज जीतिया व्रत की होंगी। उन्हीं के आशीर्वाद से दोनों की जान बच गई। वहीं मौत के जबड़े से बाहर निकले दोनों युवकों ने माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में माथा टेका। मनीष और अभिषेक ने बचाने वाले लोगों के प्रति आभार जताते हुए सबको प्रणाम किया। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लोकेश पंडा ने मीडिया को बताया कि पटना के मनीष और अभिषेक पूजा करने के ख्याल से आज रजरप्पा पहुंचे थे। दोनों नहाने के इरादे से भैरवी नदी के तट पर गए। अचानक दोनों भैरवी नदी की तेज धार में बहने लगे। फूल प्रसाद बेचने वाले स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दोनों का रेस्क्यू किया गया। एन वक्त पर युवकों के शोर पर लोग जुट गए, वरना कहानी कुछ और होती। माता के आशीर्वाद से दोनों बच गए। पुजारी का कहना था कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। सुनिए क्या बोले मौत के जबड़े से बच निकले लड़के। पैर सर गया तो वहाँ पे नहा रहे थे सर, गलती से हो गया सर, पैर वहाँ का ही लगा हुआ था सर ना, तो पानी पड़ा मुँह पे, ये हमको बचाने के लिए पकड़ा, उतने में यही खिंचाते हुए चल गए दोनों। ये तो जान के सर हम पानी को मजा करेंगे, पहला बार। कोहराम लाइव के लिए रामगढ़ से प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट।